हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो कैसे चल रही है प्रिपरेशन? स्टार्ट कर दी है या नहीं की है अभी तक? हाँ, अभी तो सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, मतलब मन में तो सोचा मन है, में सर, तो सोचा है कि कर कि अब तो इस बार तो जून के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे। बट सर क्वेश्चन ये है ना कि तैयारी जो होती है एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत टाइम लगता है सर, बहुत टाइम लगता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत बड़ी प्रोसेस है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन यही है ना कि स्टार्ट कैसे करें एग्जैक्टली, और कब स्टार्ट करें। तो देखो, ये वीडियो है इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो CSIR की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि CSIR से फेलोशिप लेना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि वेन टू स्टार्ट CSIR प्रिपरेशन, कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं फाइनल एग्जाम्स कब देने वाला हूँ। मतलब सपोज मैं जून में देने वाला हूँ तो मेरी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सही। और आपकी प्रिपरेशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट कि कंप्लीट सिलेबस को आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ सर, CSIR का सिलेबस पता होना चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस में क्या प्रिपेयर करूंगा। और दूसरा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली, इससे तो सारा आइडिया लग जाएगा। सिलेबस सामने है, पेपर पता है उनको, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसे। दो चीजें कि जब PYQ देखोगे तो अपने आप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएगा सर, कैसा आएगा क्वेश्चन, कैसे बन रहे हैं, जो कि फोकस करने आपको इस 5 मंथ के पीरियड में या इस 6 मंथ के पीरियड में। बट इंपॉर्टेंट होता है कि कब स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट तो आज से ही होता है। हाँ, कल वाला तो ऐसे नहीं है, कल से करूंगा, कल से करूंगा, तो फिर तो वो कैसे होगा बच्चा? कल से कुछ नहीं होता है। कल अगर आज आप मतलब छोड़ दिया ना, आज अगर आप सो गए ना, तो कल भी आप ऐसे ही करोगे। वही तो दिन तो ऐसे ही जाते हैं। कल तो फिर कभी नहीं आता ना, कल तो किसी का नहीं आया और आएगा भी नहीं क्योंकि कल होता ही नहीं है, आज ही होता है, अभी मोमेंट है। अभी जब देख रहे हो आप वीडियो कंप्लीट करते ही सिलेबस निकालना चाहिए इनको सर। उसी समय आपको पुराने पेपर ले लेने चाहिए, सब डाउनलोड कर लो, ठीक है, IFAS की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, तो वो सब चीजें डाउनलोड कर लो। उसी समय आप देखना शुरू कर दो, एनालाइज करना शुरू कर दो, सिलेबस क्या है, पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं। और सर ये तो सेशन हमारा जो स्ट्रेटेजी का सेशन हुआ है, 5 मंथ स्ट्रेटेजी, उसमें सब कुछ बताया गया, पूरा डिटेल में है सब कुछ। तो वो सेशन में आपने सुना ही होगा कि जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त ये हमेशा याद रखना है कि मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। Exactly. जो एग्जाम में आता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। Exactly, सर, क्योंकि अब सर कितनी बुक्स है सर, कितनी स्टैंडर्ड बुक्स है, एक बुक खत्म नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी 13 बुक है ऐसे, 13 टॉपिक की, एप्टीट्यूड अलग, 14 अलग, और उसके सबके क्वेश्चंस करना और सभी टॉपिक्स करना, ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस बोलते हैं। तो सिलेक्टिव है ना जो आपके आ रहा है, पूछा जा रहा है, मतलब सिलेक्टिव होना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही सिर्फ प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चंस को सारे प्रैक्टिस करना है, डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बी पार्ट एंड सी पार्ट की विद एप्टीट्यूड। अगर आप 5 मंथ में ये सब मेंटेन करके करते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ओके। तो आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन है, एंड अगर आप मदद से कर रहे हो किसी के तो भी आपका सिलेक्शन फिक्स है। बिल्कुल। बस इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर गाइडलाइन हो, गाइडेंस हो, तो हम हमेशा राइट डायरेक्शन में रहते हैं, बिल्कुल फोकस रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि टीचर साथ में होते हैं, और गाइडलाइन की वजह से पढ़ाई करना आसान हो जाता है। तो सर जैसे अपने सेशन चल रहे हैं, इमोशन बैच चल रहा है ना, बहुत सारे आपके है ना कंसेप्ट वीडियोस है, क्वेश्चंस है, तो आप उनको फॉलो करते रहेंगे तो आपका नॉलेज गेन होगा। जो नए स्टूडेंट्स है, आपके लिए लाइव सेशंस यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं, उन लाइव सेशंस का यूज करो, ठीक है, देखो आप, पढ़ो वहां से सर। हमारे हर सेशन में कंसेप्ट भी होता है, क्वेश्चंस भी होता है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी पता है। और सर एग्जैक्टली CSIR ओरिएंटेड, और CSIR ओरिएंटेड होता है, मतलब आप देखो कि आपको जिस तरह से पढ़ना है वो भी बताया जा रहा है। हाँ सर, क्या पढ़ना है वो भी बताया जा रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन उस टॉपिक पे क्या है वो भी सॉर्ट करके लाए जाते हर टॉपिक वाइज। तो क्वेश्चन से भी टॉपिक कवर होता है, और प्लस आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझाया जाता है कि इस तरह के न्यू चेंजेस आ रहे हैं। यस सर, तो ये सारी चीजें, ये गाइडेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है।
आप देखो अगर आपको ये समझ में ही ना आए कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहे, किस टॉपिक के आ रहे, तो फिर पढ़ने का क्या नया पैटर्न है। बिल्कुल, तो फिर वो थ्योरी जो आप पढ़ाई करोगे, फिर वो जो थ्योरी पढ़ी सर, वो मेहनत आपकी है ना वहां पर काम नहीं आएगी। हो सकता है कहीं और आए, बट CSR में नहीं आएगी ना। यस, इसलिए व्हेन टू स्टार्ट, मतलब अभी से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट कर दो। सिलेबस देखो सारा, पेपर सारे डाउनलोड कर लो, सारे देखो, और PYQ की बुक भी IFS की, हाँ सर, एक्सप्लेनेशन के साथ है, थ्योरी इसको बाय करो, जिससे आपके PYQ के क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के भी बुक्स है, 14 नंबर मॉड्यूल, 15 नंबर मॉड्यूल। अगर आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी अच्छे से प्रिपेयर करना, विद क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, आपका सिलेक्शन फिक्स होगा, आपका JRA फिक्स होगा, डेफिनेटली होगा सर। और हमेशा मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, जो भी हेल्प लगे हम हमेशा आते ही। IFS Life Science के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ। ताकि उस चैनल पे जितने भी आएंगे सेशन, लाइव सेशन, इमोशन बैच है, वन डे वन टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन है, स्टार कॉन्सेप्ट है, सारे आपके लिए फ्री अवेलेबल है, हाँ। आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप इनका बेनिफिट लीजिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कब करना है स्टार्ट? आज से करना है, आज से टाइम टेबल बनाओ डेली का, जिसमें आपका नोट्स रिवीजन, नोट्स प्रिपेयरिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें आनी चाहिए, और तीनों को डेली के डेली मेंटेन की जाए। आपका फाइनल एग्जाम में इतना अच्छा सिलेक्शन आएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। यस, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ओके जी सर, सो आज से स्टार्ट करो और प्रिपरेशन करते करते अगर कोई डाउट्स आते तो हम है, हम आपको हेल्प जरूर पूछिए, हमें सेशंस में पूछिए, कमेंट से पूछिए, कैसे भी करके पूछिए। हम तो हमेशा लाइव आते ही है, हम कमेंट बॉक्स को भी देखते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपके जो भी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल सर, कैसे जो भी हम हेल्प करना चाहते हैं या हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्प वो सब हम कर। बिल्कुल, ओके जी सर, यस, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग बच्चों।